हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक अच्छे होंगे सभी। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप यूट्यूब पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि 0.2 × 0.2 कितना होगा, तो ये तो हम आंसर नहीं देते हैं। तो मैंने उस पर यूट्यूब पर भी डाला था कि करीब 20% बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, और वैसा ही नहीं दिया था। तो अभी 10th का, जैसे कि कल महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर है, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आज, उन्हीं में से 100% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वीडियो को एंड तक बने रहे, और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आपको। तो वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाने, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के आने वाले हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो सर्कल पर भी बनाने वाला हूँ, तो जो करीब रात को आपको 10 बजे के करीब मिलेगा। तो अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आपको दिया था डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो भी करीब करीब 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसको गलत किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और बेसिक से स्टार्ट करके यहां तक जाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, एंड तक देखिए। 8 से 10 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो सारे क्वेश्चंस को कम से कम करके जाएं, और हार्डली आपको 30 मिनट्स के अंदर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप खत्म कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम स्टार्ट करें तो डिस्टेंस होता क्या, हम कैलकुलेट क्यों करते हैं डिस्टेंस, देखिए समझ लेते हैं। हार्डली 2 मिनट का टॉपिक है ये, आपको पता होगा। इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब सपोज करो मेरे को ये यहां पर एक पॉइंट है, ये क्या होगा आपको पता होगा, 5, 0, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, ये एक्स वाई आपको पता होगा, एक्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोला जाता है। नहीं पता तो इसको एक्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है कि कैलकुलेट एक्सिसा, कैलकुलेट ऑर्डिनेट, तो ये ऑर्डिनेट होता है, दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट बनता है। अब यहां से यहां तक हम कितना गए, 5, तो ये डिस्टेंस हो गया 5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें यूजिंग द फॉर्मूला। हो सकता है कि हम इधर इस डायरेक्शन में चेक कर लेते कि भाई ये तो हमने देख लिया कि यहां पर हम 5 यूनिट गए, यूनिट का मतलब मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना। अब अगर सपोज करो इस डायरेक्शन में आपसे चेक करता है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस बताओ, तो इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन होते। ये कोऑर्डिनेट सपोज करो हमारा 3, 2 होता, 3 का मतलब इधर, 3 ऊपर 2। अब वो कहता है इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आपको क्या करना है, जब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो इसको x1 लेट करोगे, इसको x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल डी डी से डिनोट करते हैं कई बार, क्या फॉर्मूला होता है वो याद रखना, x2 − x1 + y2 − y1 का स्क्वायर। मींस जो x2 है इसमें से, और x1 मींस जो पहले वाले और जो एब्सिसा है उनका डिफरेंस का होल स्क्वायर करना है, और जो आपके ऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर करना है, या फिर x1 y1 x2 y2 की इसमें वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट। याद रखना है पेपर के अंदर आपको फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, डायरेक्ट नहीं करना है। अगर आप विदाउट फॉर्मूला करेंगे तो कई बार क्या होता है आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है, और वो मार्क्स पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन के भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ x2 3 − 0 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y2 कितना है 2 − 0 होल स्क्वायर। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में से 3 9 प्लस कितना हो गया 4 √11 इसका आंसर आ गया। हो सकता था अभी कोई और भी वैल्यू हो सकती थी, अब वो ऐसे डायग्राम तो बना के आपको देगा नहीं, डायग्राम नहीं देने वाला आपको, आपको कैसे देगा, कुछ और बोल सकता है। सपोज करो आपका एक वैल्यू है यहाँ पे 4, 2, यहाँ पे बोल देगा −2 − 4, बोलेगा इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस का कैसे निकालना, x2 − x1 + y2 − y1 का थोड़ा हैंड राइटिंग मिला है सही है भाई, होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर लो, x1 y1 x2 y2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
वैल्यू ऑफ एक्स टू कितना है माइनस टू, एक्स वन माइनस फोर होल स्क्वायर, वाई टू की वैल्यू कितना माइनस फोर, वाई वन कितना है माइनस टू होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, इधर भी माइनस सिक्स, तो आपको पता है रूट में प्लस हो जाता है वैल्यू, ये 36, ये भी कितना 36, आंसर आ जाएगा रूट 72। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना आता होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इस टाइप से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ध्यान से समझेंगे, क्या ध्यान से समझना है, सपोज करो मेरे पास एक लाइन है, क्या जैसे ये एक मेरे पास लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट यहां पे सपोज कर लेते हैं, भाई नहीं आइडिया कितने हैं, 5, 2, इसके 3, सपोज करो 5, ठीक है। अब एक और थर्ड लाइन है, इसको कट कर दिया यहां पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, मिड में नहीं कट किया, याद रखना, किसी भी पॉइंट पर कट कर दिया। अब जिस वाले पॉइंट पर कट किया इसको हमने लाइट कर लिया पी, क्या लाइट कर लिया पी, जहां पर इसने कट किया था। अब वो बोलेगा इसके कोऑर्डिनेट बताओ पी पॉइंट के, तो इसने क्या किया, इस लाइन ने इस लाइन को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया, किसके अंदर डिवाइड कर दिया, दो सेक्शन, हो सकता है ये वाला सेक्शन के अंदर डिवाइड किया, इसको हमने एम वन लाइट कर लिया और इसको एम टू, ठीक है, और इस पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लाइट कर लिया, क्लियर हो गया। मैंने बोला इसने इस लाइन ने इस वाली लाइन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, देर आर टू सेक्शंस, और इसको एम वन इसको एम टू, कई बार इसको रेशो के अंदर मिलेगा एम वन रेशो एम टू, ठीक है, इसी रेशो में डिवाइड किया है इस वाली लाइन को। अब इसी को, इसी से जन्म होता है सेक्शन फॉर्मूला का, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता, हालांकि इसका डेरिवेशन है लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। तो वो बोलेगा इस लाइन ने इसको डिवाइड किया तो एक्स वाई के, या बोलेगा इस पॉइंट पी ने डिवाइड किया इस लाइन को तो एक्स वाई कैलकुलेट करो, या पी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या याद रखना होता है, ये चीज समझ लो, एक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको एक्स वन लाइट करोगे, इसको वाई, एक्स टू वाई टू। तो आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, एक्स के लिए एक्स वन एम टू, एक्स वन के साथ एम टू रखेंगे, एक्स टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो एक्स कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला। अब वाई कैलकुलेट करने के लिए वाई वन सेम एम टू, वाई टू एम वन, एम वन प्लस एम, ये दोनों आपके एक्स एंड वाई कैलकुलेट हो जाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन और टू मार्क्स का, थ्री का फॉर्मूला आप लिख के आएंगे, ऑब्जेक्टिव है तब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में लिख के आना, एक्स वन एम टू, एक्स टू एम वन, एम वन प्लस एम टू। देखिए कुछ बुक के अंदर इसको एम एन कैलकुलेट कर लेते हैं कि दिस वन एम दिस वन एन, तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एम एन, लेकिन एम टू एम वन रखेंगे तो ये याद करने में आसानी रहती है। वैल्यू ऑफ एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 3, एम टू, एम टू, एम टू की भी वैल्यू कितनी होगी, सपोज करो ये हम 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, एम टू कितना है 2, एक्स टू 5, एम वन 1, 2 प्लस 1, 6, 11 बाय 3, तो x आ गया 11 बाय 3। वैसे हम लोग y कैलकुलेट करेंगे, y1 चेक करेंगे, y1 कितना है 1, m2 कितना है 2, y2 कितना है चेक कीजिएगा y2 2, एंड m1 कितना है 1 अपॉन 2 प्लस 1, 4 बाय 3, ये y आ गया। तो p के हमारे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गए कितना 11 बाय 3 एंड कितना 4 बाय 3। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, आपने याद रखना है सेक्शन
फॉर्मूला। क्लियर हो गया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है और कैसे कैलकुलेट करना वो चीज अभी आपको समझ में आएगा। देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है गाइस, अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। उसने बोला है कि मेरा एक पी पॉइंट है, ठीक है, मेरे दो पॉइंट है ए एंड बी एक लाइन के, इसके इसने कोऑर्डिनेट दे दिया और कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2, -7। क्लियर हो गया। और एक पॉइंट है ये पी और इस पी ने इसको 2:3 के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ये 2, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एंड दिस वन 3। अब वो बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताइए x, y। आंसर निकालो फटाफट, बहुत आसान है। कैसे करना है? x=(x1, m2) x2 m1 m1+m2। वैल्यू पुट कर लो, ये x1 y1 m1 m2 x2 y2। वैल्यू ऑफ x1 कितना चेक करो -3, m2 कितना 3, x2 कितना 2, m1 कितना 2, दोनों को ऐड करके लिख देंगे 2+3 तो कितना होगा -9+4/5 तो -5/5 कितना हो जाएगा -1। x कैलकुलेट हो गया, वैसे हम लोग y कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो अब रखते हैं इसको आसान। अब क्वेश्चन क्या इसने बोला, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट है वो एक लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है। ट्राई सेक्शन, एक लाइन और को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दिया, लाइन ए एंड बी। कोऑर्डिनेट है ए का -3, 4 माइनस कितना था कोऑर्डिनेट है -4, 3 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, -1। अब इसमें क्या बोलता है, इसको लाइन को मेरे को ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं कि ट्राई सेक्शन में। ट्राई सेक्शन का मतलब है इस लाइन को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में कब होगा, पी एंड क्यू, देखो 3 पार्ट बन गए 1, 2, 3। ट्राई सेक्शन याद रखना, जब भी ट्राई सेक्शन वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब है कि ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिसने उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पी पॉइंट हो गया और एक क्यू हो गया। तो अब मेरे को कोऑर्डिनेट बताने पी के एंड क्यू के। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट ना, और 3 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही रहा होगा और ये भी 1 होगा, मतलब यही है ना ट्राई सेक्शन का मतलब, 3 इक्वल पार्ट में। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, 3 इक्वल रेशियो का मतलब 1, 1, 1, 1, ये हो गया ना। अब अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो पी ये एक्स ये वाई, अब बताइए पी यहां से यहां तक कितना 1 और पी से लेके और बी तक कितना डिस्टेंस होगा 2 का ना, 1+1। तो m1 इसके लिए जब p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे 1 होगा और m2 कितना होगा 2 होगा। क्लियर हो गया, डायग्राम में थोड़ा ठीक बना लेता हूं, अभी q की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं p की। तो जब p के आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे तो p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए ये 1 होगा, अब ये 2 होगा क्योंकि यहां पर 1 था। क्लियर हो गया। तो m1 कितना 1 और m2 भी कितना 2, x p के कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही x1 m2 x2 m1 upon m1 plus m2। वैल्यू पुट कर लो, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सेम y की वैल्यू निकालोगे। क्लियर हो गया। अब अगर हम q की बात करें
क्यू यहां पर था ना, तो क्यू के लिए ये टू हो जाएगा, एम वन कितना हो जाएगा टू और एम टू कितना हो जाएगा वन, क्योंकि क्यू इसके पास है और इसके भी हमें वैल्यू पता है ए माइनस फोर थ्री एंड वैल्यू ऑफ बी टू कॉमा माइनस वन, सो वी कैन कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। और क्यू के लिए क्या होगा, एम वन टू होगा एम टू वन होगा, सेम आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग का फॉर्मूला, कितना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन ट्राई सेक्शन वाला फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं डाल दूंगा, वहां पर आप बोल सकते हैं सर समझ में नहीं आया, तो समझ में आएगा, क्लियर हो गया, अगर नहीं आता तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं क्या बोलता है वो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईएमपी है, वीवीआईएमपी का मतलब समझते होंगे आप लोग ना, मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए एंड बी, ए एंड बी के क्या दिए हुए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है पहला माइनस थ्री कॉमा थ्री एंड बी का फोर कॉमा माइनस नाइन, क्लियर हो गया, माइनस थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा माइनस नाइन, ये कोऑर्डिनेट गिवन है और पॉइंट पी गिवन है, पी जो इसको डिवाइड करता है, और पॉइंट पी कितना है टू कॉमा माइनस फाइव, ये पी गिवन है। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है कि किस रेशो में इसने डिवाइड किया, मीन्स ये एम वन और ये एम टू, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। आप ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं, आपको याद रखना इसका मतलब क्या होता है, एम वन रेशो एम टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम वन अपॉन एम टू, लिख सकते हैं ना रेशो वन, इसको आप के ऐड करोगे, इसका मतलब हो गया के रेशो वन, ठीक है, इसको मैंने ऐड क्या कर लिया के, और इसका मतलब के रेशो वन आ गया, तो एम वन कितना हो जाएगा के और एम टू हो जाएगा वन, क्लियर हो गया। अब मेरे को के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग द फॉर्मूला, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स वन वाई वन, ये एक्स वाई होता है, एक्स टू वाई टू, कुछ बच्चों इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि सेंटर पे एक्स टू नहीं ले सकते, एक्स टू और वाई टू हमारा कॉर्नर वाले ही रहेंगे, जो मिड पॉइंट होता है वो एक्स हम लेट करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स इक्वल टू एक्स वन एम टू एक्स टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, वैल्यू ऑफ एक्स कितना टू, एक्स वन कितना है माइनस थ्री, एम टू कितना वन, एक्स टू कितना है फोर, एम वन चेक करेंगे के अपॉन के प्लस वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो टू इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर के अपॉन के प्लस वन, मल्टीप्लाई करेंगे टू के प्लस टू इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर के, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे इधर इधर, तो ये फाइव हो जाएगा, ये टू के होगा, तो के इक्वल टू फाइव बाय टू, वैल्यू ऑफ के कितना था एम वन अपॉन एम टू, तो रेशो कितना आ गया फाइव बाय टू, तो एम वन रेशो एम टू कितना आ जाएगा फाइव रेशो टू, तो आंसर हमारा कितना होगा एम वन अपॉन एम टू आया था फाइव बाय टू, तो एम वन रेशो एम टू फाइव रेशो टू, ये आंसर आ गया, इतना आसान तरीके से बता दिया, सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, जब भी आपसे M1 और M2 कैलकुलेट करने के लिए पूछे या बोले कि P पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो आपने क्या करना है M1 M2, M1 आपने K ऐड करना है, M2 एक करना है, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी M1 by 2 को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्कल से रिलेटेड, इसको मैं रफ करता हूँ, क्लियर हो गया, ध्यान से समझ लो, वेरी गुड। वो कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, क्या है सर्कल, और सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, उसके अगर एंड के कोऑर्डिनेट बनाने हैं, देखिए ये सर्कल सेंटर, सेंटर आपको गिवन है कितना माइनस वन कॉमा सिक्स,
और इसके कोऑर्डिनेट भी देने हैं एक पॉइंट के, 5.9 5.9, ये ए पॉइंट बी पॉइंट। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, मैंने एक्स वन वाई वन हो गए इसके, सपोज कर लेते हैं ये, चलो ए इधर ले लो यार, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, सेंटर डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, एक्स एंड वाई, क्लियर हो गया। अब ये बताइए सेंटर में क्या होता है, इक्वल रेशो होता तो ये भी वन होगा और ये भी वन होगा, क्लियर हो गया। तो जब इसको एक तरीके से मैं मिड पॉइंट भी बोल सकता हूं ना, तो जब मिड पॉइंट होता है ना बेटा, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट, ध्यान समझना, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, क्योंकि एम वन और एम टू भी यहां पर लिखते थे ना, तो वो तो वन वन हो गया ना, अपॉन टू वाई, क्या होता है बेटा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू, जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो इसमें हम वैल्यू पुट करके एक्स एंड वाई निकाल लेंगे, कैसे निकालना है चेक कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन, इक्वल टू एक्स वन कितना है कैलकुलेट करना है, एक्स टू कितना हमारा फाइव डिवाइड बाय टू माइनस टू एक्स वन प्लस फाइव, तो एक्स वन कितना हो जाएगा माइनस सेवन, क्लियर है, देख लो वैसे वाई वन आप कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, तो बहुत आसान था। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते आ सकते हैं, एक पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ करता हूं इसको, चलो भी बताते हैं आप लोगों को वो क्या होता है, समझ लो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। वो बोल रहा है कि मेरे पास तीन पॉइंट वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, फोर्थ वर्टिसेस आपको कैलकुलेट करना, देखो भाई बेटे ये पैरेललोग्राम होता है पता होगा आप लोगों को ना, अब इसने क्या बोला है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे दिए बेटा, ठीक है ए बी सी एंड डी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 10, -6, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है 2, -6, कोऑर्डिनेट ऑफ सी हाउ मच -4, -2, एंड डी आपने कैलकुलेट करना, मैंने एक्स वाई ऐड कर लिया, कितना ऐड कर लिया एक्स एंड वाई, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे और ऐसे बना लिए, इस पॉइंट पे कॉर्ड कट करेंगे, इसको मैंने मान लिया पी, क्लियर हो गया, इसको मैंने कितना मान लिया, इसको मैंने कैलकुलेट ऐड कर लिया इसका पी, ठीक है, तो पी का मिड पॉइंट आप निकालोगे पहले इसका यूज करके, तो जब इसका यूज करोगे पी का मिड पॉइंट कितना आएगा बताओ मुझे, इसको इसको ऐड करो कितना हो गया 6, ऐड करना तो -4 है ना 6 का डिवाइड किया 3, एंड इसको इसको फिर से ऐड करो तो कितना हो गया -8, तो कितना आएगा -4, तो पहला -4 आ गया जब ऐसे किया। अब ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसे जब कैलकुलेट करोगे तो x प्लस 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 आ गया, और ये किसके इक्वल है 3 के, यहां से x के कोऑर्डिनेट निकल गया, वैसे ही फिर से निकालेंगे कितना -6 प्लस y डिवाइड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट डिवाइड बाय 2 से निकालते हैं ना, और किसके इक्वल पुट कर दोगे -4 से, यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से y कैलकुलेट हो जाएगा, d के कोऑर्डिनेट निकल गए। देखो 1 मिनट का क्वेश्चन था और कम से कम भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट देगा पैरेललोग्राम के ये पूछ लेगा, इसको पैरेललोग्राम बोल दे, रोम्बस बोल दे, जो मर्जी वो बोल दे भैया, स्क्वायर बोल दे, रेक्टेंगल, जो मर्जी आपको कैलकुलेट ऐसे करना है, मिड पॉइंट निकाल देना और मिड पॉइंट को पहले इस डायगोनल का इस डायगोनल का मिड पॉइंट के इक्वल पुट कर देना, क्लियर हो गया, बताओ कोई दिक्कत हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किससे, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, कई बार क्या बोलता है वो कहता है ये लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस आपकी k के इक्वल दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट 10, 4 दे देगा, व्हाट एवर, या हो सकता है इसकी 10 यूनिट डिस्टेंस दे दे और यहाँ पर x बोल दे और ये 2, 3 बोल दे, बोलेगा x की वैल्यू बताओ, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर लोगे, बहुत आसान है।
अभी मैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस टाइप के ही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर ले, जो आपको सैंपल पेपर भी मिला होगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने देखे, तो इनको सबको सॉल्व कर लें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं अभी सर्कल से रिलेटेड एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, वो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो जय हिंद जय भारत, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।